हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज 13 अप्रैल 2020 के दिन क्लास फोर्थ का यूनिट फर्स्ट का हम लेसन स्टोरी करेंगे, नेहाज अलार्म क्लॉक। इसमें क्या है, नेहा और उसके अलार्म क्लॉक की बात की गई है। जैसे कि आप लोग सुबह उठते हो तो किसी को अलार्म क्लॉक की ज़रूरत होती है, किसी की अपने आप ही जाग खुल जाती है। किसी को ऐसे होता है कि अलार्म क्लॉक बजने से पहले ही सुबह बंद हो जाए ताकि वो थोड़ी देर और सो सके। तो इसमें नरेटर जो है, जो कि कहानी सुना रहा है, वो बताएगा कि नेहा और उसके अलार्म क्लॉक के बारे में, कि नेहा सुबह जो अलार्म क्लॉक बजता है तो कैसे रिएक्ट करती है, उस पर क्या क्या करती है, ये एक नरेटर हमें बताएगा। तो शुरू करते हैं। रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। सुबह 6 बजे जो है अलार्म क्लॉक बजना शुरू हो गया और उसमें से आवाज आने लगी रिंग रिंग रिंग। नेहा मेक्स ए फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद ए पिल्लो स्ट्रगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट। अब नेहा ने देखा कि अरे 6 बजे का अलार्म बज रहा है तो उसे उठना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, अपना मुंह जो है पिल्लो से ढक लिया और अपने कान बंद कर लिए और जो गरम गरम कंबल ओढ़ा हुआ था उसके अंदर और घुस गई। स्नगल मीन्स आराम से लेटना। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप। बट वो जानती थी कि उसको उठना पड़ेगा। शी मटर्स टू हर सेल्फ। तो अपने आप से क्या कहती है नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल मी आउट ऑफ द बेड। ये अलार्म क्लॉक जो है हर दिन सुबह 6 बजे बज जाती है और मेरे को सुबह उठा देती है बेड से। इट इज सो अनफेयर। ये तो बहुत गलत बात है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप ए लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं सुबह थोड़ी देर और सोती रहूं। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। कई बार मेरा मन करता है कि ये जो क्लॉक सुबह 6 बजे बज जाती है, किसी दिन ऐसा हो कि ये भूल जाए कि इसे 6 बजे बजना था। नरेटर समटाइम्स फेल्स नेहा स्माइल्स। समथिंग फेल्स नेहा स्माइल्स। नरेटर जो कहता है तभी कुछ गिरा एकदम से तो नेहा मुस्कुराने लगी। नेहा ओ माय क्लॉक हैज फेलन। अरे मेरी घड़ी गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम। मैं कितनी खुश हूं। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। कल तो मैं थोड़ा लेट उठूंगी। नरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म क्लॉक। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। नरेटर कहता है कि अब अगले दिन क्या हुआ, सुबह सुबह का कोई अलार्म नहीं बजा। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। तो इसीलिए नेहा सोती रही और सोती रही क्योंकि उसे कोई उठा नहीं रहा था। दिस मास चेपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। अब जो है छोटी छोटी चिड़िया चहचहाती हुई विंडो के पास आती थी, जो उन्होंने देखा कि अरे नेहा तो अभी तक सो रही है। तो आज के लिए ये स्टोरी इतनी ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। ओके थैंक्स।